वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ऑफ क्लास नाइन एन टी एस सी फिजिक्स पिछले वीडियो में हमने दस क्वेश्चन डिस्कस किए थे मोशन चैप्टर से अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर इलेवन इज द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल हैज़ चेंज्ड वॉट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाई द पार्टिकल एक पार्टिकल की लोकेशन चेंज हुई है तो हम उसके डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में क्या बोल सकते हैं अगर एक पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है तो इट कैन गो इन डिफरेंट वेज तो हम उसके डिस्टेंस और डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं बोथ के नॉट बी ज़ीरो वन ऑफ द टू मे बी ज़ीरो बोथ मस्ट बी ज़ीरो तो दोनों में से एक ज़ीरो होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हुई है दोनों का ज़ीरो होना भी पॉसिबल नहीं है फॉर द सेम रीजन इफ वन इज़ पॉजिटिव अदर वन इज नेगेटिव इसका भी कोई लॉजिक नहीं है बट द फर्स्ट वन बोथ कैन नॉट बी ज़ीरो इज राइट क्योंकि अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो डिस्टेंस भी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगी ठीक है सो इट इज़ ए क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एस ऑन अ स्ट्रेट लाइन इन टू आवर्स एंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन नेक्स्ट थ्री आवर्स द एवरेज वेलोसिटी इज एक कार दो घंटे में गई तीन घंटे में वापस आई एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम अब ये जो कार है ये जाके वापस सेम पॉइंट पे आ गई है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़ डिवाइडेड बाय टाइम कुछ भी हो ज़ीरो बाय एनीथिंग विल गिव यू ज़ीरो अगर कोई भी चीज़ वापस घूम के सेम पॉइंट पे आ जा रही है तो एवरेज वेलोसिटी इज़ जीरो मीटर पर सेकेंड सो द आंसर इज़ नन ऑफ दीज इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है थर्टीन वेन अ पार्टिकल मूव मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी अगर एक पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो पहला स्टेटमेंट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर होंगे ये तो गलत है अगर वेरिएबल वेलोसिटी है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं होंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम रहते हैं डिस्टेंस कवर्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नीड नॉट बी सेम तो करेक्ट आंसर क्या है पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट एंड थर्ड वन इज नॉट करेक्ट सो इट इज डी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्ट एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो इनमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है एक्सेलरेशन ज़ीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेट अस कंसिडर सर्कुलर मोशन ऐसे केसेस में हम एक बार सर्कुलर मोशन की तरफ जरूर देखते हैं अगर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट स्पीड होगा लेकिन वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं होगी तो एक्सेलरेशन मस्ट बी ज़ीरो ऐसा ज़रूरी नहीं है वेलोसिटी इज कांस्टेंट ऐसा भी जरूरी नहीं है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैन बी ज़ीरो और कैन बी अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट ज़ीरो इज आल्सो ए कांस्टेंट तो ऑप्शन सी नंबर फिफ्टीन इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ कर्ड पाथ देन अगर एक बॉडी कर्ड पाथ पे जा रही है ऐसा एक कर्ड पाथ लिया हमने ए से बी तक कर्ड पाथ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती है और एक्सेलरेशन भी ज़ीरो नहीं हो सकता ठीक है सो ए एंड बी आर नॉट पॉसिबल द करेक्ट आंसर इज एक्सेलरेशन मस्ट नॉट बी ज़ीरो एक कर्ड पाथ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं हो सकता दिस वी हैव टू रिमेंबर याद रखना है हमें इवन ऑन अ सर्कुलर पाथ अगर हम सर्कुलर पाथ भी लेते हैं तो एक्सेलरेशन इज नॉन ज़ीरो बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेशन विद इनिशियल वेलासिटी u एंड फाइनल वेलासिटी v तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ऑफ द पार्टिकल तो इनिशियल वेलोसिटी यू है फाइनल वेलोसिटी वी है और अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो एवरेज वेलोसिटी विल बी यू प्लस वी बाई टू दिस इज वेरी डायरेक्ट इसको याद भी कर सकते हैं और डिराइव भी कर सकते हैं बट ये बहुत जनरल है जहाँ भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके बाई टू कर देते हैं दैट गिव्स अस एवरेज वेलोसिटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ बॉडी ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए वन फॉर टाइम टी वन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए टू फॉर टाइम टी टू देन द एवरेज एक्सेलरेशन इज इसे सॉल्व करना पड़ेगा दिस ऑब्जेक्ट कवर्स सम डिस्टेंस विद एक्सेलरेशन ए वन फॉर टाइम टी वन एंड सम डिस्टेंस विद एक्सेलरेशन ए टू फॉर टाइम टी टू तो हम ऐसा करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं यू और कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई वी और थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी हो गई वी डैश तो हमें इक्वेशन मालूम है वी माइनस यू इज़ इक्वल टू ए टी राइट वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो इक्वेशन है सो so, इसी इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा वी माइनस यू इज इक्वल टू ए वन टी वन और वी डैश माइनस वी यहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी वी डैश है दूसरे हाफ के लिए और इनिशियल वेलोसिटी वी है सो दिस गिव्स इज इक्वल टू ए टू टी टू ठीक है अभी हमें चाहिए क्या वी नीड टू फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा एवरेज एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई द टाइम तो चेंज इन वेलोसिटी हमें पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक की टोटल चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी वी डैश माइनस यू जो सबसे फाइनल वेलोसिटी है और जो इनिशियल वेलोसिटी है डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इज हाउ मच टी वन प्लस टी टू वी डैश माइनस यू निकालना है हमें अगर हम ऊपर वाले दो इक्वेशन देखेंगे तो इन्हें देख के हमें डायरेक्ट पता चलता है इफ़ यू एड दिस विद दिस यू विल गेट वी डैश माइनस यू तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे इसे हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू बोलते हैं v- माइनस यू प्लस वी डैश माइनस वी लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई इज इक्वल टू ए वन टी वन प्लस ए टू टी टू तो v और माइनस वी कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट v डैश माइनस यू इज़ इक्वल टू ए वन टी वन प्लस और हमें यही चाहिए था सो so, ये वैल्यू कितनी बनी वी गेट ए वन टी वन प्लस ए टू टी टू डिवाइडेड बाई टी वन प्लस टी टू दिस इज आवर एवरेज एक्सेलरेशन जो हमें चाहिए था सो विच ऑप्शन इज दैट दिस इज़ ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फॉर थर्टी सेकेंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट टेन सेकेंड इज एक्स वन नेक्स्ट टेन सेकेंड इज एक्स टू एंड लास्ट टेन सेकेंड इज एक्स थ्री तो हमें एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री की रेशियो निकालनी है तो गिवन है कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो पहले दस सेकेंड में एक्स वन डिस्टेंस नेक्स्ट टेन सेकेंड में एक्स टू डिस्टेंस नेक्स्ट टेन सेकेंड में X3 थ्री डिस्टेंस हमें नहीं पता X1, X2, X3 जो है उनकी वैल्यूज़ कितनी है लेकिन वी नो दैट X1 वन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट टेन सेकेंड्स तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर हम यूज़ करेंगे तो U की वैल्यू ज़ीरो है सो वी गेट हाफ एक्सेलेशन हमारा a है जो हमें नहीं मालूम इन टू टेन सेकेंड का स्क्वायर दिस इज़ अवर डिस्टेंस विच इज़ एक्स वन सबसे पहले सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है सो वॉट डू वी गेट वी गेट हंड्रेड ए बाई टू ना एक्स वन प्लस एक्स टू कैन बी रिटर्न एज एक्स वन प्लस एक्स टू कितना होगा यू टी फिर वही इस फॉर्मूला यूज़ करेंगे यू टी अगेन बिकम जीरो क्योंकि यू जीरो है हमने स्टार्टिंग से लिया है प्लस हाफ सेम एक्सेलरेशन टाइम अब कितना हुआ ट्वेंटी का स्क्वायर सो दिस इज़ फोर हंड्रेड ए बाई टू एंड सिमिलरली एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू फिर यू टी जीरो हो जाएगा क्योंकि हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं प्लस हाफ ए टाइम अब टोटल टाइम कितना हुआ थर्टी सेकेंड थर्टी का स्क्वायर सो दिस इज़ नाइन हंड्रेड ए बाई टू ठीक है तो हंड्रेड ए बाई टू क्या है हंड्रेड ए बाई टू इज एक्स वन फोर हंड्रेड ए बाई टू क्या है फोर हंड्रेड ए बाई टू इज एक्स वन प्लस एक्स टू राइट एक्स वन प्लस एक्स टू अगर फोर हंड्रेड ए बाई टू है जिसमें से एक्स वन हमें मालूम है तो एक्स टू कितना होगा एक्स टू विल बी फोर हंड्रेड ए बाई टू माइनस हंड्रेड ए बाई टू सो दिस इज थ्री हंड्रेड ए बाई टू और x1 वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री ये हमें मालूम है नाइन हंड्रेड ए बाई टू है जिसमें x1 कितना है x1 की वैल्यू आई थी हंड्रेड ए बाई टू प्लस एक्स टू की वैल्यू कितनी आई थ्री हंड्रेड ए बाई टू प्लस एक्स थ्री की वैल्यू हमें नहीं मालूम द सम इज़ नाइन हंड्रेड ए बाई टू सो डायरेक्टली वी नो दैट एक्स थ्री इज़ नाइन हंड्रेड माइनस फोर हंड्रेड दिस इज़ फाइव हंड्रेड ए बाई टू तो एक्स वन रेशो एक्स टू रेशो एक्स हमें चाहिए था डायरेक्टली देख के पता चल रहा है इट इज़ वन इज़ टू थ्री इज़ टू फाइव सो कौन सा ऑप्शन आया हमारा ऑप्शन सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी ट्रेवल्स इन सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस सिक्स मीटर वॉट इज़ द रेशो ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इफ द टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस पाथ इज इलेवन सेकेंड एक बॉडी है एक सेमी सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रही है और इस सेमी सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो है सिक्स मीटर यहाँ से यहाँ तक सिक्स मीटर हमें इसकी स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो निकालना है टाइम टेकन इज़ एलेवन सेकेंड ठीक है तो सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे स्पीड कितनी है स्पीड इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम और डिस्टेंस कितना है हमारा डिस्टेंस जो है वो एक सर्कल के सर्कम का हाफ़ है हाफ सरकमफ्रेंस तो टोटल सरकमफ्रेंस कितना होता है टू पाई आर हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस कितना होगा पाई आर सो वी हैव पाई आर इज़ द टोटल डिस्टेंस जो कि ब्लू कलर में दिया गया है डिवाइडेड बाई टोटल टाइम हमें दिया गया है इलेवन सेकेंड वॉट इज़ आवर वेलोसिटी वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम अब डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा डिस्प्लेसमेंट है स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस तो वो तो हमारा डाई मीटर हो गया सिक्स मीटर और सिक्स मीटर ट्वेल्व मीटर सो दिस इज ट्वेल्व मीटर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम रिमेन्स द सेम एलेवन सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है स्पीड और वेलोसिटी की रेशियो सो स्पीड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी विल बी पाई रेडियस कितना है हमारा सिक्स आर बाय एलेवन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व बाय एलेवन तो एलेवन एलेवन कैंसिल We get 6 pi by 12, which is pi by 2. 22 by 7 into 1 by 2, 11 by 7. This is option D, 11 by 7. We will discuss some more questions in motion in the next video.